जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ताजमहल के वो तथ्य बताने वाले हैं जो शायद आप ना जानते हों, और जानते हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस ताजमहल के बारे में पूरी कहानी आपको इस वीडियो में मालूम होगी। ताजमहल बनाने के बाद क्या मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? क्या यह कहानी सच है या झूठ? ऐसी ही दिलचस्प बातें जो ताजमहल के बारे में हैं, जो आपको हैरान कर देंगी, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जिसके बारे में लोग आज भी नहीं जानते। हम यहाँ आपको इस खूबसूरत इमारत स्मारक से जुड़े कुछ ऐसे ही राज बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ताजमहल एक खूबसूरत स्मारक है। इसे केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि यह वो इमारत है जो मुगल काल का प्रतिनिधित्व करती है। इतना ही नहीं, यह पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का भी प्रतीक है। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसे देखते ही लोगों को इससे प्यार हो जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस अद्भुत स्मारक को देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं। आपने अब तक ताजमहल के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में अब तक आपने ना तो सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। यहाँ इसके बनने से पहले से लेकर इसके विश्व धरोहर घोषित होने और संरक्षण की पूरी कहानी आज आप इस वीडियो से जान पाएंगे। हम आपको बता दें कि शाहजहां की तीसरी पत्नी थी मुमताज। जिस शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, वह उनकी तीसरी पत्नी थी। 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज महल की मौत हो गई थी। बताते हैं कि अपनी बीवी की मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गए थे। इसके बाद उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है, शाहजहां का मकबरा भी। हम सब अब तक यही जानते हैं कि यहां मुमताज का मकबरा है, लेकिन सच तो यह है यहां पर शाहजहां का मकबरा भी बना हुआ है। हालांकि आज भी ताजमहल को मुमताज के मकबरे के रूप में ही जाना जाता है। उस समय ताजमहल के निर्माण की लागत 3.2 करोड़ रुपये आँकी गई थी। आज इस कीमत में मात्र 1 कोटी ही बनकर तैयार हो पाती है। बाहर से आए थे कारीगर। ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगर लगे थे। क्या आपको पता है मुमताज ने लिए थे 4 वादे? किंवदंती है कि मुमताज ने शाहजहां से 4 वादे लिए थे। पहला, वे ताजमहल का निर्माण करेंगे। दूसरा, उनकी मौत के बाद वे शादी करेंगे। तीसरा, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और चौथा, उनकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अपना आखिरी वादा नहीं निभा सके। क्या आपको पता है ताजमहल रंग बदलता है? ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह पीले रंग का हो जाता है। वहीं शाम होते ही यह नीले रंग का दिखाई देने लगता है। क्या आप जानते हैं मुमताज बेगम की मौत बुरहानपुर में हुई थी? तो बुरहानपुर में ही ताजमहल बनना था। चलिए इसकी पीछे की कहानी आपको बताते हैं। इस तथ्य के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि मुमताज की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी। इसलिए ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनना चाहिए था। बताते हैं कि पहले मकबरे के स्थल के रूप में बुरहानपुर को ही चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए यह जगह संगमरमर की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए मुमताज के अवशेषों को आगरा ले जाया गया और वहीं ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। आपने कई बार सुना भी होगा और कई जगह पढ़ा भी होगा कि ताजमहल पूरा बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ
कटवा दिए थे। तो हम आपको बता दें, मजदूरों के हाथ काटने वाली कहानी एकदम झूठी है। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। इतिहास में यह जरूर मिलता है कि सभी से जो बड़े बड़े मिस्त्री थे उनसे एक दस्तावेज साइन करा लिया था कि ऐसी कृति आप और कहीं दुनिया के किसी जगह पे नहीं बनाओगे। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है और यह एक विश्व धरोहर, मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत ही बाद शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। आगरा के किले में उनको नज़रबंद कर दिया गया था, जहां शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्हें उनकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया था, जो कि अंदर ताजमहल में है। आप जब भी ताजमहल देखने जाएंगे तो 2 कब्र आपको देखने को मिलेंगी। बड़ी कब्र शाहजहां की है, छोटी कब्र मुमताज महल की है। एक कथा के अनुसार शाहजहां की एक और इच्छा थी कि यमुना के उस पार भी एक ठीक ऐसा ही किंतु काला ताजमहल का निर्माण हो, जिसमें उनकी कब्र बने। तो दोस्तों, ताजमहल के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।